गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज टू यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फ्लावर नहीं फायर हूं, झुकेगा नहीं। असम में दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुजरात के बड़गाम से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने पुष्प स्टाइल में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मेरा ये आरोप है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं, मेरे घर पे छापे किए। मेवाड़ी ने आरोप लगाया कि गुजरात में चुनाव की वजह से पीएमओ के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि जब मुझे जमानत मिली तो इसके बाद एक महिला से फर्जी केस करवाया गया, ये 56 इंच की कायरता है। अगर दम है तो पीएम लाल किले से खड़े होकर गोडसे मुर्दाबाद कहकर दिखा दें। मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने यह कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया, लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके साथ ही जिग्नेश मेवाड़ी ने 1 जून से गुजरात बंद का आह्वान भी किया। उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि आप भी गुजरात से हैं और मैं भी, अगर आपने माइनॉरिटी समाज पर दर्ज केस वापस नहीं लिया, 22 पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी से नहीं करवाई, मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स केस में गौतम अडानी की जांच नहीं करवाई, तो 1 जून से गुजरात बंद होगा। बता दें कि मेवाणी को असम पुलिस ने 19 अप्रैल को गुजरात से गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें पूर्वोत्तर राज्य असम लाई थी। असम पुलिस ने मेवाणी के खिलाफ यह कार्रवाई उनके द्वारा पीएम मोदी को लेकर एक कथित ट्वीट किए जाने के बाद की थी। असम पुलिस ने 25 अप्रैल को इस मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद महिला पुलिसकर्मी से कथित तौर पर छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मेवाड़ी ने 28 अप्रैल को नई जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई। मैं अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए, मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा। अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों, उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वड़गाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और ऊना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर दो, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर तीन, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज टू यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।